प्रेम प्रसंग में हुई अंधी हत्या के केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां आरोपियों की जमानत रद्द होने के बाद जेल भेज दिया गया। सिंगरौली जिले के बागाडीह गांव में बाबा बैंस नाम के व्यक्ति की अंधी हत्या हुई थी, जो पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। हत्या के पीछे शामिल आरोपियों की तलाश में पुलिस ने मुखबिरों को लगा रखा था। मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जानकारी देते हुए SP मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी अशोक उर्फ राजेश सोनी है। अशोक को शक था कि मृतक के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं। इसी शक के आधार पर अशोक सोनी ने अपने 2 साथी अंबिका यादव और राजेश यादव के साथ मिलकर युवक की धारदार हथियार के साथ हत्या कर दी। SP ने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। थाना बर्मा के बागाडी नामक गांव में एक बाबा वैश नामक युवक की 50 वर्ष का उसके कुछ अज्ञात युवकों द्वारा मारपीट कर दी और पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर काफ़ी गंभीरता के साथ में लिया, इसको एक चैलेंज माना और इसमें टीम बनाकर जो है इसमें इसकी पतारसी के लिए लगाया था और टीमें बहुत अच्छा काम करते हुए जो है लगभग 48 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया है। और इसमें जो मेन आरोपी सामने आया है उसका नाम अशोक कुमार उर्फ राजेश सोनी है और इसने अपने 2 साथियों अंबिका प्रसाद यादव और राजेश कुमार यादव इन दोनों साथियों के साथ मिलकर बाबा वैश्य की हत्या कारित की थी। और हत्या में जो हथियार प्रयोग किया गया था उस हथियार को जब्त कर लिया गया है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या की जो मेन वजह सामने आई है उसमें बाबा वैश्य के आरोपी की पत्नी से वैश्य। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।